मैं नदी मकरम। अपनी बात रखने से पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखा देना चाहता हूं, आप भी देखिए कि किस तरीके से उपद्रवी माहौल खराब करने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो कहाँ का है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ये वीडियो आखिर है कहाँ का। रमजान उल मुबारक के पवित्र महीने में भारत की पहचान रही है कि यहाँ हिंदू अपने मुस्लिम भाइयों को रोजा इफ्तार कराया करते थे, जिसकी एक जीती जागती मिसाल दिल्ली में अपना जवान बेटा खोने वाले अंकित के पिता ने रोजा इफ्तार करवा कर दिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों बढ़ती आपसी दूरियां और कुछ लोगों द्वारा बिगाड़े जा रहे सांप्रदायिक सौहार्द के कारण एक कथित हिंदू संगठन के नेता ने खुले आम माहौल खराब करने के लिए रोजा इफ्तार कर रहे मुसलमानों को गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। मामला राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद का है। निगम पार्षद आसिफ चौधरी ने रोजा इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपने हिंदू मित्रों को बुलाया था तथा इसके अलावा बड़ी संख्या में रोजेदार मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान अचानक भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी अपने 6-7 उपद्रवी साथियों के साथ रोजा इफ्तार स्थल पर पहुंच गए और रोजेदारों को गाली गलौज करने लगे। रोजेदारों के बीच जाकर के रोजेदारों को गाली देना, मुसलमानों को गाली देने का चलन आजकल हिंदूवादी नेताओं में उबाल मार रहा है। मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत भरा माहौल तैयार करना, हमारे और आपके बीच में जो भाईचारा बना हुआ है उसको खराब करने के लिए कोई भी कोशिश कोई भी तरीका अपनाने को तैयार है ये हिंदूवादी नेता। पर ये जनाब इस बात पर भड़के हैं कि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। जहां इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था वहां के मुसलमानों को दिल से सलाम है कि वो लोग गाली गलौज करते रहे, पर इन्होंने उनका पलट कर जवाब नहीं दिया। वो आए थे सिर्फ वहां का माहौल खराब करने के लिए, ताकि गाजियाबाद को नफरत की आग में झोंका जा सके। पर इन जनाब को बुरा इस बात का लग गया और अपनी धौंस अपनी पावर दिखाने के लिए ये पुलिस वाले से भिड़ गए सिर्फ इस बात पर कि इन्हें नफरत का माहौल खराब करने नहीं दिया गया। पुलिस वाले ने जब इन्हें वहां से खदेड़ दिया तो ये उल्टे उस पुलिस कर्मी पर गरम हो गए कि आप लोग किस तरीके से यहां पर रोजा इफ्तार करने के लिए लोगों को न्योता दे रहे हैं और क्यों यहां पर इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। ये जनाब भड़क उठे कि रोजा इफ्तार आखिर हो क्यों रहा है, नमाज अजान और अब रोजा हिंदूवादियों के टारगेट पर है कि पहले अजान के बारे में कहा तो अजान बंद होने के लिए इन लोगों ने पूरी कोशिश कर दी। यूपी से लाउडस्पीकर हटाने की अनुमति दे दी गई है, पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसको लेकर के अभी पूरी तरीके से जिन मस्जिदों के पास परमिट है वहां पर अजान दी जाएगी, जिसके पास नहीं है वो अपनी मस्जिद में ही अजान दे देंगे। इसके बाद हरियाणा में हमने देखा कि कैसे जुमे की नमाज को लेकर के उपद्रवी नफरत फैलाने को तैयार है। उन उपद्रवियों को यह नहीं पता कि सिर्फ हफ्ते में या ईद की नमाज ही सड़कों पर निकलकर पढ़ी जा सकती है, क्योंकि जब मस्जिदों में जगह नहीं रहती तो लोग नमाज अदा करने के लिए बाहर आ जाते हैं। महज 5-10-15 मिनट के लिए ये लोग सब्र नहीं कर सकते और इसके लिए पूरी तरीके से एक नफरती माहौल तैयार करा जा रहा है। जब नमाज को लेकर के हरियाणा में हुआ तो अब ये लोग रोजे को टारगेट कर रहे हैं। सलाम है अंकित सक्सेना के पिता को, जिन्होंने रोजे इफ्तार में एक भाईचारे की मिसाल कायम करी और इन नफरती
चिंटुओं के मुंह पर एक तमाचा मार दिया है। तो आप लोगों को भी और हम लोगों को भी ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है ताकि वो माहौल खराब ना कर सके। और एक जो जरूरी खास बात यह है कि अगर कोई भी आपको गाली गलौज करता है या आपके खिलाफ नफरती बोल बोलता है तो आप लोग उनसे भिड़ने के बजाय अपने कानून व्यवस्था पर विश्वास रखिए और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए कि नफरत का माहौल ना बिगड़े। पुलिस वाले आपका साथ जरूर देंगे क्योंकि वो भी नफरत का माहौल खराब करने नहीं होने देना चाहते। ये जो 2019 का प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए हर जगह नफरत का माहौल तैयार करा जा रहा है, इसको पहचानने की जरूरत है और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की बहुत सख्त जरूरत है।